बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। देवाधिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। क्या मेरा है, क्या पाना है, कैसे हो जीवन का उद्धार, गुणायतन में आओ बंधु, यहाँ सत्य का हो दीदार। बंधुओं, परम पूज्य आचार्य गुरुवर की पावन आशीर्वाद से और पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में निर्मित होने जा रहा गुणायतन वह कालजयी कृति होगी, जहां आकर आप और आपकी पीढ़ियां चढ़ सकेंगी मोक्ष महल की सीढ़ियां, जहां आकर टूटेंगी मोह की बेड़ियां और झड़ेंगी ज्ञान की फुलझड़ियां। अतः मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि गुणायतन जैसी श्रेष्ठ कृति में अपना श्रेष्ठतम द्रव्य लगाकर तन मन धन से योगदान देकर अपने जीवन को सार्थक करें और जिन शासन की यशोपता का दिग दिगंत तक फैल सके इसका सम्यक पुरुषार्थ करें। आज भी गुणायतन से कुछ लोग जुड़े हैं, मैं उनके नामों की उद्घोषणा करूँगा और यह भावना रखूँगा कि आप लोग अनुमोदन अवश्य करें। निर्माण सारथी के रूप में जो आज जुड़े हैं गौरांग बी संकेश्वरा घाट कॉपर ईस्ट मुंबई से, करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन से जो संबद्ध हुए हैं श्रीमती मधुवाला जैन श्री अनिल कुमार जैन गाजियाबाद से, करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन करें। एवं निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं श्रीमती रेणु जैन श्री पंकज जैन गुड़गांव से। इससे पहले कि हम आज के इस सत्र को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करके अपने जीवन को धन्य करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ें, मस्तक झुकाएं और मेरे साथ बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। आज के इस सत्र को ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करते हुए प्रथम प्रश्न बिनौली बागपत से नितिन जी जैन नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, महाराज श्री किसी ने क्या खूब कहा है कि किसी अच्छे काम की शुरुआत करने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं होता, तो महाराज श्री मेरी शंका यह है कि फिर भी लोग अच्छे काम के लिए मुहूर्त का इंतजार क्यों करते हैं, कृपया समाधान करें। ये मनोबल की कमजोरी, बुरे कार्य के लिए व्यक्ति कोई मुहूर्त नहीं देखता, अच्छे कार्य के लिए मुहूर्त देखता है। आज से कुछ दिन पूर्व अशोक जी पाटनी ने जब यहाँ सवाल किया था तब मैंने ये बात कही थी, ये जिनका मन कमजोर होता है वही मुहूर्त देखते हैं। आज देखो परम पूज्य गुरुदेव का अमरकंटक में प्रवेश हुआ और आज अमावस है और आप लोग अमावस को नकारते हो, तो जिनका मनोबल ऊंचा होता है उनके लिए कोई कठिनाई नहीं होती। ओम। जोधपुर से मीना जी चौधरी नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, महाराज श्री क्षमा करना भी एक अजीब औषधि है। ओम, फिर से बोलो। क्षमा करना भी एक अजीब औषधि है, देते हम किसी और को हैं लेकिन घाव हमारे हृदय के भर जाते हैं, बहुत सुंदर। तो फिर भी गुरुदेव क्षमा करने में हम इतना क्यों सोचते हैं, कृपया समाधान करें। बहुत अच्छी बात कही, क्षमा करना एक ऐसी अद्भुत औषधि है, देते किसी और को है घाव हमारे भरते हैं। काश इस सच्चाई को हम समझे और आत्मसात करें तो फिर हमारे मन में किसी के प्रति क्षमा भाव प्रकट करने में कठिनाई नहीं हो। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा बाधक है हमारे भीतर का अहंकार, हमारे मन का अहंकार हमें किसी को क्षमा नहीं करने देता, न खुद की गलती स्वीकारने देता है और न ही किसी की गलती को माफ़ करने की क्षमता देता है। यदि हम अपने अहंकार को शांत करने का अभ्यास बना ले तो ये सब चीज़ें हमारे जीवन में सहज घटित हो सकती। गोपालगंज सागर से श्रीमान राजेश जी जैन आरआई नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव मनुष्य में ऐसा माना गया है कि मनुष्य में तीन जगह शक्ति का संचय होता है, शरीर मन और वाणी। शरीर शरीर में शक्ति के आने से संयम ब्रह्मचर्य अहिंसा सेवा एवं पवित्रता आती है, मन में शक्ति का संचय होने पर विवेक वैराग्य सौम्यता प्रसन्नता संतोष एवं सरलता आती है, तथा वाणी में शक्ति का संचय होने पर सत्यता प्रभुता ईश्वर का यशगान
विचार, सौम्यता, व्यवहार, मधुरता एवं बौद्धिक परायणता आती है। गुरुवर, हम इन शक्तियों के संचय में क्या पुरुषार्थ करें कि हमारे जीवन में बौद्धिक दरिद्रता का अभाव और अशांति दूर हो सके? देखिए, इन शक्तियों के संचय में कुछ न करें, इनका मूल्य और महत्व समझें और इनके दुरुपयोग से बचें। अगर मनुष्य के मन में थोड़ी सी आत्म जागरूकता आ जाए तो वह अपने मन, वाणी और शरीर तीनों पर संयम ला सकता है। जागरूकता के अभाव में ही असंयम पलता है, इसलिए हमें सतत जागरूक रहने का अभ्यास करना चाहिए। हमारी जागरूकता ही हमारे जीवन को अच्छा बनाएगी और हम अपने जीवन को अच्छा कर सकेंगे। दिल्ली से श्रीमान लक्ष्मण जी लालवानी नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं कि गुरुदेव, संकल्प और विकल्प क्या है, यह हमारे जीवन में क्यों आते हैं और इनको कैसे बचाएं, इनसे कैसे बचें? संकल्प और विकल्प क्या है? शरीर आदि को मैं रूप मानना संकल्प है और धन संपत्ति आदि बाह्य पदार्थों को मेरा मानना विकल्प है। संकल्प और विकल्प, इन दोनों शब्दों को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अहंकार और ममकार। ये दोनों अज्ञान की उपज है। जो मैं नहीं हूँ उसे मैं अपना मानूं, उसे मैं मानूं, ये मेरा संकल्प है। और जो मेरा नहीं है उसे मैं मेरा मानूं, ये मेरा विकल्प है। तो ऐसा संकल्प विकल्प हमें सतत विचलित करता है। ये हमारे चित्त को हमेशा आंदोलित रखता है, आकुलता होती है, मन को शांत नहीं होने देता। ज्ञान और विवेक से ही संकल्प और विकल्प को शांत किया जा सकता है। जब हमारे लिए जीवन की वास्तविकता का पता लग जाता है, सारा संकल्प विकल्प खत्म हो जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूँ, एक जगह एक एक्सीडेंट हुआ, मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट। एक युवक एक ट्रक के नीचे आकर के कुचल करके मर गया। भीड़ लगी है, 25 साल का युवा है, सिर कुचला हुआ है, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा है, भीड़ लगी है, लेकिन कपड़ों से लग रहा है कि इस मोहल्ले के एक सेठ का है। सेठ तक सूचना पहुंची, वहां पहुंचा और अपने इकलौते बेटे की ये दशा देखा तो फूट फूट कर रोने लगा। दृश्य बड़ा करुणा का था, क्योंकि मोटरसाइकिल उसके बेटे की थी, कपड़े भी उसी के जैसे दिख रहे थे, सिर कुचला हुआ था। हो ना हो, मेरा बेटा ही है, और बेटा ही है नहीं, बेटा ही है। विचलित हो रहा, रोए जा रहा है। इसी मध्य उसका बेटा आया, अपने पिता से लिपट गया, पापा बच गया। तू यहां कैसे आ गया? बोले पापा बच गया भगवान की कृपा से। बोले क्या? बोला मेरी गाड़ी मेरा दोस्त लेके आ रहा था, मैं गाड़ी से नहीं आया, मैं पैदल आया, अभी आया हूं। दोस्त की इच्छा थी कि मुझे गाड़ी दे दो, मैं बच गया। तू आ गया, तू सलामत है। रोने वाला व्यक्ति हंसने लगा। क्यों? लड़का तो अभी भी मरा है, वो जिंदा नहीं हुआ, लेकिन उस समय केवल लड़का नहीं मरा था, मेरा लड़का मरा था, अब केवल लड़का मरा है। चीज़ों के साथ जब हमारा ममत्व जुड़ता है, संकल्प विकल्प जुड़ते हैं, तो वो हमारे मन को दुखी बनाता है। और जब वास्तविकता का ज्ञान होता है, मैं मेरा छूट जाता है, तो हम सहज हो जाते हैं। तो विवेक की जागृति संकल्प विकल्प से मुक्ति दिलाती है, और उसके लिए ज्ञान का आलम्बन जरूरी है। इंजीनियर CK जैन कालानी नगर इंदौर से नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव, आज की परंपरा में घर घर में सफाई हेतु नौकरानियां काम कर रही हैं, किंतु जब वह अशुद्धियां होती हैं तो वह अपना पैसा बचाने के लिए कभी मालकिन को बताती नहीं, और बर्तन भी मांजती है, मंदिर के धोती पिछोड़ा भी धोती है, तो गुरुदेव यह कहाँ तक उचित है? ये दोष उन लोगों के ऊपर है जो घर में ऐसे लोगों से काम लेते हैं। उन्हें चाहिए कि उनको महीने में 3 दिन की छुट्टी देनी ही है, ये कहना चाहिए, और इस 3 दिन की छुट्टी में कोई पगार नहीं काटी जाएगी, तुम रेस्ट करो। तो व्यवस्था बन सकती है,
और आप उनका वेतन काटोगे तो उनको तो पेट भरना है, वो ऐसा करेगी ही, इसलिए इन बातों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। अमीनगर सराय बागपत से कुमारी आंचल जैन आपके चरणों में प्रणति अर्पित करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज श्री जिंदगी कैसी होनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी को लेकर किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी एक बार मिलती है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ जिंदगी एक बार मिलती है यह बिल्कुल गलत है, सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी हर रोज मिलती है, कृपया समाधान करें। जिंदगी कैसी होनी चाहिए एक सवाल, और आपने जिंदगी के प्रति दृष्टिकोण भी प्रकट किया, जिंदगी एक बार मिलती है ये गलत है, जिंदगी हर रोज मिलती है, मौत एक बार मिलती है, ये बात सही है। आपने पूछा जिंदगी कैसी होनी चाहिए, मैं इतना ही कहूँगा जिंदगी ऐसी हो कि मौत संवर जाए, जिंदगी ऐसी हो कि मौत संवर जाए, हम ढंग से जिए ताकि ढंग से मर सके, जिंदा दिली के साथ जिए और जिंदा दिली के साथ शरीर को छोड़ सके। संगीता गवाणे गुणायतन ट्रस्टी अकोला से आपके चरणों में नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव शरीर को कितना भी खिलाओ कितना भी पिलाओ लेकिन वह कभी भी आत्मा का साथ नहीं देता, वह तो सिर्फ आयु का ही साथ देता है, फिर भी मनुष्य अपने को छोड़ पर के पीछे क्यों लगता है, क्योंकि यह शरीर भी पर है और जो अपना है उसे क्यों नहीं समझ पाता, कृपया समाधान करें। इस यही तो अज्ञान पूर्ण संस्कार है, सब कुछ जान करके भी अनजान हो जाते, जब तक मोह हम पर हावी होता है तब तक यही स्थितियां बनी रहती है। जीवन के यथार्थ का बोध हर किसी को नहीं होता, शब्दों में वो कदाचित जान ले पर यथार्थ में नहीं जान पाता, यथार्थ में जानने के लिए सतत अभ्यास करना, जन्म जन्मांतरों का संस्कार इतना गहरा कि सुनने तो की बात आ जाए पढ़ने की भी बात आ जाए लेकिन अंदर से मानने के लिए मन तैयार नहीं हो, अपने मन को तैयार करें और सतत अभ्यास करें तभी हम उन सब चीज़ों से ऊपर उठ सकते हैं। और इसके लिए हर पल भावना भाए, मैं देह नहीं चेतन हूँ, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इन सवालों को जो रोज अपने मन से पूछता है वही इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सकता है। प्रमोद कुमार जैन पापड़ीवाल महावीर नगर दुर्गापुरा जयपुर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव, सीए के नियमों के दांव पेच से फिर से बोलो, सीए के नियमों के दांव पेच से इनकम टैक्स तो बच गया लेकिन नैतिकता में वह सही नहीं होने के कारण मन उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा है, मेरी शंका यह है कि दांव पेच भरे नियम को ऊंचा रखें या नैतिकता को, कृपया समाधान करें। बहुत अच्छी बात की, हो सकता है प्रश्नकार एक सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने कहा कि सीए के दांव पेच से व्यापार में तो सफलता हो गई पर नैतिकता से के नीचे आने से मन उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा। मैं इस बात के लिए उनकी दाद देना चाहता हूँ, कम से कम इतना तो स्वीकार रहे कि मैंने दांव पेच में नैतिकता का हनन किया। पर मेरा मानना है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट दांव पेच करके अनैतिक कार्य ही करे, सच्चे अर्थों में उसका काम अनैतिक नहीं है, उसका काम वैधानिक है और वैधानिक कार्यों को वैधानिक तरीके से संपन्न करे और सरकार की नीति और रीतियों का लाभ लेकर अगर वो आपको फायदा दिला सके तो ये बड़ी उपलब्धि है, जो चीज़ें आप नहीं जानते वो सब चीज़ें ठीक कर सके, ये एक अच्छे सीए का कार्य है। और यदि कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अनैतिकता की ओर बढ़ता है और अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करता है तो उसको आज नहीं कल इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। उदयपुर से श्रीमान अनिल मेहता गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं, जिस घर की गाड़ी उधार पर चलती है उनका ब्याज का पहिया रोज पंचर हो जाता है, परंतु ट्यूबलेस पहिया पंचर होने पर भी थोड़ा चल जाता है। कैसे, नीचे की लाइन क्या बोली? परंतु ट्यूबलेस पहिया पंचर होने पर भी थोड़ा थोड़ा चल जाता है,
आज के युवा ट्यूबलेस पहिए की तरह परिवार की गाड़ी खींचते हैं, तो जिंदगी का पहिया कैसा होना चाहिए जो परिवार की गाड़ी को आसानी से खींच सके और धन की हवा भी भरी रहे। बहुत अच्छी बात कही। जिस घर की गाड़ी उधार से चलती है उनका पहिया ब्याज का पहिया पंचर हो जाता है, और ट्यूबलेस पहिया थोड़ी देर चल तो जाता है लेकिन ज़्यादा आगे खींच नहीं पाता। आपने पूछा है कि हम अपनी गाड़ी को किस तरीके से चलाएं कि हमारी गाड़ी में ये दुविधा ना आए, तो मैं तो यही कहूँगा कि अपनी गाड़ी को आप उधार से चलाओ ही मत। ये समझ लो उधार में उधार नहीं है, नगद से चलाओ। नगद से चलाओगे तो सब काम नगद हो जाएगा और वो हमारे जीवन के लिए ज़्यादा सफल और सार्थक बनाएगा। हमारी दृष्टि वो होनी चाहिए। लेकिन ये आज का युग है, पुराने समय में कहते थे कि लोग कर्जा लेके घी पीते हैं, अब तो मुझे ऐसा लगता है आज के लोग कर्जे ही लेके घी पीते हैं और हर काम लोन पर होता है। डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, भैया थोड़ा लोन पर चला करो। उसने कहा, सर मेरा तो पूरा परिवार लोन पे चलता है। ये कर्जदार होना अच्छी बात नहीं है। नीति कहती है कभी कर्ज को छोटा नहीं समझना, थोड़ा सा भी कर्ज कभी ना हो, ऐसा प्रयास और पुरुषार्थ होना चाहिए। इसलिए कभी कोई आए तो प्रसंग आए कोशिश करो कर्ज लेना ही ना पड़े, और यदि किसी परिस्थिति में कर्ज लिया है तो जितनी जल्दी हो सके उसे चुकाने का प्रयत्न करें। अब मैं आपकी आज्ञा से गुरुदेव प्रत्यक्ष उपस्थित लोगों को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा प्रथम प्रश्न के लिए। श्रीमती वीना जैन गाजियाबाद क्रॉसिंग से, और आपके बाद तैयार रहेंगे जालना से मालती सुभाष गोधा, सनय गोधा, निधि गोधा। उपस्थित हैं श्रीमती वीना जैन? नहीं है, सुभाष गोधा। जालना से मालती सुभाष गोधा, सनय गोधा, निधि गोधा अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगे नीलम शाह, प्रकाश शाह, कोटा से। परम पूज्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में जालना वासियों की ओर से और निधि और सनय की ओर से हमारी ओर से कोटि कोटि वंदन नमन। हे गुरुवर, मेरे पोते ने सनय ने लंदन से आपके लिए प्रश्न भेजा है। जैन धर्म का प्रचार प्रसार इतना सीमित क्यों है? विदेशों में लोग हमारे धर्म के बारे में जानते ही नहीं। यहाँ पर हमें क्रिश्चियन, सिख, मुस्लिम, बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ाया गया है 6th, 7th और 8th के क्लास में, पर जैन धर्म का कुछ भी नहीं सिखाया और उन्हें मालूम ही नहीं है, ऐसा क्यों महाराज? यह हम लोगों की बड़ी कमी रही है। अब हम लोगों को चाहिए कि हम इस तरफ लोगों को जागरूकता उत्पन्न करें। अमेरिका में तो कई विश्वविद्यालयों में जैन पाठ्यक्रम में भी जुड़े हैं। अब देश विदेश में लोग बस गए हैं, उनको चाहिए कि वहाँ के लोगों को इसके विषय में जगाए, वहाँ की सरकारों से मिल करके काम करे। धर्म प्रभावना का ये आवश्यक अंग है और इस दिशा में सबको सामूहिक प्रयास करना चाहिए। नमस्ते महाराज, नमस्ते। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी श्रीमती नीलम शाह, प्रकाश शाह, कोटा से, और आपके बाद तैयार रहेंगे कैलाश चंद जी पाटनी, गुणायतन सदस्य, कोपरगांव, महाराष्ट्र से। महाराज जी नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। महाराज जी, बचपन में हम सभी भाई बहन बड़े प्यार से रहते हैं, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, पर जैसे जैसे बड़े होते हैं दूरियां बढ़ती जाती है, अलगाव हो जाते हैं। तो क्या बचपन के नेह की डोर इतनी कच्ची होती है? बचपन के नेह की डोर इतनी कच्ची होती है क्या? बच्चे बचपन की नेह की डोर, स्नेह की डोर इतनी कच्ची होती है? स्नेह की डोर, नेह की डोर अच्छी होती। देखो, हम जब छोटे होते हैं ना तो हम अपनी प्राकृतिक भूमिका में जीते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारे अंदर विकृतियां भरने लगती है। बचपन में बच्चे के अंदर उतना ईगो नहीं होता, और जैसे जैसे बड़े होते ईगो भी बढ़ता जाता है जी। दूरियां उसके कारण बढ़ती है। काश हम अपने बचपन को लौटाने में समर्थ हो जाए तो हमारे जीवन का कायाकल्प हो जाए, हम आज भी वह सब कुछ अनुभव में ले सकते। आज वो गजल आप लोग गाते हो ना,
लौटा दो मुझको मेरा वो बचपन, वो कागज की किश्ती हो, बारिश का पानी। तो ये एक हकीकत है, वो जो सहजता होती, बच्चे बच्चे अपने बचपन को याद करो, कभी किसी से लड़ाई होती, कट्टी होती, तो दोस्ती होने में कितनी देर लगती? हाँ, जितनी तेजी से लड़ते उतनी तेजी से प्रेम भी करते। तो वो क्या है, उस समय हमारा ईगो बहुत छोटा था, अब ईगो बड़ा होता जाता है, और वो जैसे जैसे बड़ा होता है तो अनेक चीज़ें उसके साथ जुड़ने लगती है, और उन सब चीज़ों के जुड़ जाने से सब कुछ गड़बड़। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे कैलाश चंद जी पाटनी, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अशोक जी जैन कोटा वाले। महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न यह है, यंत्र तंत्र मंत्र और रुद्धि मंत्र, इनमें क्या अंतर है और इसका प्रयोग किस तरह करना चाहिए? यंत्र तंत्र मंत्र और रुद्धि मंत्र, इसमें क्या अंतर है, इनका प्रयोग कैसे करना चाहिए? पहले तीन को समझ लो, चौथा को समझने की जरूरत नहीं है। यंत्र तंत्र मंत्र, ये क्या है? मंत्र शब्द किससे बना है? संस्कृत के मन धातु में त्रप प्रत्यय लगने से मंत्र शब्द की उत्पत्ति हुई। जो रक्षा करे उसका नाम मंत्र है, अथवा जो मनन करने योग्य हो वो मंत्र है, और मंत्र का एक अर्थ रहस्य भी होता है, जिसके अंदर बड़ा रहस्य भरा हो उसका नाम मंत्र है। तो मंत्र हमारी साधना का एक अंग है, जिसके माध्यम से हम अपनी तप साधना, ध्यान साधना आदि करते हैं, ये मंत्र है। मंत्र के बाद आता है तंत्र। तंत्र क्या है? तंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है युक्ति। क्या होता है? युक्ति। युक्ति यानी एक प्रकार का टेक्निक। तंत्र शब्द आज बदनाम हो गया, क्योंकि अनेक प्रकार के तांत्रिक देश में हैं, और उनकी जो विद्याएं हैं, जिस तरह का प्रयोग वो लोग करते हैं, उसके कारण तंत्र शास्त्र बदनाम सा हो गया। लेकिन तंत्र का अर्थ युक्ति है, और सात्विक तंत्र हमारे ध्यान साधना और आध्यात्मिक आराधना में भी सहायक होता है। तो अनेक प्रकार के उपक्रम करके जब किसी विशेष प्रकार की साधना की जाती है, उसे तंत्र कहते हैं। जैसे तंत्र में एक है त्राटक, केवल दीप की लौ को अपलक निहारना, ये हमारी एकाग्रता को बढ़ाने वाली, एकाग्रता की क्षमता को बढ़ाने का एक तंत्र है। अनेक प्रकार के तंत्रों का प्रयोग होता है, और वो तंत्र हुआ जो एक प्रकार की युक्ति है। यंत्र क्या है? यंत्र एक विशेष प्रकार का आरेखन, जिसमें अक्षरों, मंत्रों और संख्याओं को एक विशेष युक्ति और योजना के तहत अंकित किया जाता है, और उसकी प्रतिष्ठा करके उसमें दिव्य शक्तियों को प्रतिष्ठित कर दिया जाता है। तो जैन आगम में यंत्र मंत्र तंत्र तीनों का स्थान है। भगवान की जब हम लोग प्रतिष्ठा करते हैं, उसमें इन तीनों का प्रयोग होता है। बस जब लोग दुरुपयोग करते हैं तो गड़बड़ होता है। तो यंत्र मंत्र तंत्र का सही उपयोग करें, आध्यात्मिक साधना के लिए करें। आजकल लोगों ने इसका चिकित्सा में भी उपयोग करना शुरू कर दिया। मैं उसे गलत तो नहीं कहता, लेकिन इसके मूल प्रयोजन को जब हम समझ करके चले तो वो हमारे लिए ज़्यादा फलदायी होता है। रिद्धि मंत्र मंत्र का ही एक रूप है, जो रिद्धिधारी मुनिराजों के जीवन से जुड़े हुए मंत्र हैं, उनको रिद्धि मंत्र कहते हैं। नमस्ते महाराज। उपस्थित होंगे श्रीमान अशोक जी जैन कोटा से, और आपके बाद तैयार रहेंगे चंद्रशेखर जी जैन विदिशा से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है महाराज जी। बोलो। अक्सर धार्मिक ग्रंथों में, जैन धार्मिक ग्रंथों में और अन्य धार्मिक ग्रंथों में स्वर्ग और नरक की अलग अलग विवेचना की गई है। ये इतना नरक है, ये इतना सातवां नरक है, सातवां स्वर्ग है, ऐसा अन्य ग्रंथों में भी है। जबकि व्यवहार में और प्रचलित समाज में ये माना जाता है, ये उद्भाषित होता है कि पृथ्वी पर ही नरक है और पृथ्वी पर ही स्वर्ग है, इस कथन में क्या सत्यता है? देखिए, जैन आगम में जो वर्णन है वो सर्वज्ञ भगवान की वाणी पर आधारित है, और लोक का जितना सूक्ष्मतम विवेचन जैन आगम में देखने को मिलता है, उतना अन्यत्र कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता।
लोग दुनिया और लोगों ने तो लोक को जाना ही नहीं, जो इस ब्रह्मांड के आगे के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते उनके लिए क्या स्वर्ग क्या नरक। जैन धर्म तीन लोक की बात करता है। अन्य धर्मों में नरक की चर्चा है लेकिन वह एक केवल सामान्य नरक लोक है, लेकिन जैन धर्म में सात नरक है, 16 स्वर्ग है, उनकी 7 अलग अलग पृथ्वियाँ हैं, उनका सूक्ष्मतम विवेचन है। वो इस बात का प्रमाण है कि जैन आगम में तत्वों को कितनी सूक्ष्मता से बताया गया। यहाँ ही अगर स्वर्ग नरक होता तो आगे कैसे होता। एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज जी नरक स्वर्ग है, इसको हम कैसे माने, हो तो दिखना चाहिए, स्वर्ग नरक तो सब यही है। मुझे बिल्कुल, मैं आपकी बात से कुछ अंशों में सहमत हूँ, यही स्वर्ग यही नरक है। लेकिन समझो, एक आदमी को घोर कष्ट है, न खाने को रोटी है, न पहनने को कपड़ा है, न सिर छुपाने को छत है, भूख के मारे पीठ और पेट मिलकर एक हो गए, उसके ऊपर से वो व्यक्ति अपाहिज है, हाथ पांव कटे हुए हैं और उसको गलित कुष्ठ है, तन पर बैठी मक्खी को भगाने के लिए भी मजबूर है, खाने के लिए दाना नहीं है, समझ लिए दुख है, समझो ये नरक है, है। एक आदमी के पास सब प्रकार की फैसिलिटीज है, 100-100 अर्दली उसके आगे पीछे घूमते हैं, कहीं किसी प्रकार का अभाव नहीं है, एक प्रकार से लोग कह देते ये स्वर्ग है, पर मैं कहता हूँ नहीं, ये नरक नहीं, नरक की झांकी है, ये स्वर्ग नहीं, स्वर्ग की झलक है, नरक की झांकी है, नरक अप्रकट होगा। ये जो दुख है ये सहन करने योग्य है, इसके आगे का भी तो दुख हो सकता है, ये अंतिम तो नहीं है ना, तो इससे आगे के दुख को भोगने के लिए हमें जहाँ जाना पड़ता है उस लोक का नाम नरक लोक है। और यहाँ का जो सुख है ये चरम सुख नहीं है, इससे ऊपर का भी सुख भोगा जा सकता है, और इससे ऊपर के सुख को भोगने के लिए हम जहाँ जाते हैं समझ लो वो स्वर्ग। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे श्रीमान चंद्रशेखर जी जैन विदिशा से, और आपके बाद तैयार रहेंगे शशि जी राजेश जी जैन इंदौर से। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमको धार्मिक क्रियाएं करना चाहिए अथवा कर्मों की प्रक्रिया समझना चाहिए, क्योंकि अक्सर धार्मिक क्रियाओं के चक्कर में पुण्य और पाप के चक्कर में पड़ जाते हैं और कर्मों की प्रक्रिया को गौड़ कर जाते हैं, तो क्या न धार्मिक क्रिया करनी चाहिए न कर्मों की प्रक्रिया समझनी चाहिए, अपनी चेतना को जागने की जगाने की कोशिश करनी चाहिए, और आत्मज्ञान के साथ जब हम धर्म की क्रिया करते हैं तो कर्म की प्रक्रिया भी बदल जाती है। तो सबसे पहली जरूरत है आध्यात्मिक चेतना को जगाने की। जब हम अपनी आध्यात्मिक चेतना जागृत करते हैं तब हमारे जीवन में वो रूपांतरण घटित होना शुरू होता है जिसकी हमें आवश्यकता है। और ऐसा व्यक्ति जब धार्मिक क्रियाएं करता है तो कर्म को काटता है, और न केवल कर्म को काटता है, वो उसके जीवन के रूपांतरण का आधार बन जाता है। हमें अपने आप को रूपांतरित करने का प्रयत्न करना चाहिए, कोई क्रियाएं बहुत अच्छा फल नहीं देती। नमस्ते महाराज। प्रस्तुत हूँ श्रीमती शशि जी राजेश जी जैन इंदौर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान सुनील जी जैन CFO गुणायतन। महाराज जी, आपके चरणों में पूरे परिवार की तरफ से कोटिश नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये प्रश्न हमारी तीन पोतियां हैं इंदौर में, 14 साल की है हिरल हर्षी और एक प्रियल है 6 साल की। हिरल हर्षी का प्रश्न है कि महाराज जी, हम तीनों बहनें हैं, हमारे पापा के लड़का नहीं है, आगे हम ऐसा क्या करें हमारे पापा मम्मी का नाम ऊँचा रहे। दूसरा, हमारी माँ हमेशा आलू प्याज अष्टमी चौदस मना करती, अष्टानिका मना करती, चतुर्दशी मना करती, तो महाराज जी ऐसा उन दिनों में क्या है। तीसरा एक प्रश्न और है उनका कि हम फ्रेंड्स बनाते हैं तो हमारी माँ हमेशा उनके सरनेम पूछती कि भाई वो क्या सरनेम है, तो तुम उनसे दोस्ती बढ़ाओ उनसे नहीं बढ़ाओ, तो महाराज जी अपने जैन धर्म में ऐसा क्यों है, ये हमें आप समझाइए कृपा करके। देखिए, पहला सवाल कि हम क्या पूछा, तीनों लड़कियां हैं, लड़के हैं, ऐसा क्या करें, लड़कियां हैं कि ऐसा क्या करें कि माँ बाप का नाम ऊंचा करें। देखो, लड़की लड़के से बढ़के रहती है,
समझ गए। लड़का तो एक कुल का दीपक होता है, लड़की को उभय कुल विवर्धनी कहा गया है। मैं कहूँगा अपने आचरण और व्यवहार को ऐसा बनाओ कि जब तक तुम अपने माँ बाप के पास हो तो लोग कहे ये जिस घर में जाएगी स्वर्ग बनाएगी, और जब विवाह होकर अपने ससुराल में जाओ तो तुम्हें देखो तो लोग कहे किस पुण्य के योग से बहू नहीं लक्ष्मी आई है। ये अपने आप को तैयार करो। कोई जरूरी नहीं किसी घर में लड़का नहीं है तो कुछ नहीं हो, लड़की भी बहुत कुछ कर सकती है, लड़के ही सब कुछ नहीं करते। अपना कर्तव्य पालन करो, एक आदर्श कन्या को अपने भीतर जन्म दो और कन्योचित समस्त कर्तव्यों को अपने जीवन में स्थान देकर आगे बढ़ो तो आगे बढ़ोगे। दूसरा सवाल, अष्टमी चौदह अष्टानिका को हरी नहीं खाना, रात्रि भोजन, देखो ये हमारे पर्व है, ये हमारे विशिष्ट दिन है, तो हम लोग और दिनों में आम जीवन जिए चलेगा, कम से कम पर्व के दिनों में तो अपने खान पान में संयम रखें। अगर पर्व के दिनों में हम संयम रखने का अभ्यास करते हैं तो वो अभ्यास कालांतर में पूरे दिन बनने का भी योग बन सकता है। एक बार एक युवक ने मुझसे सवाल किया कि महाराज 10 लक्षण में 10 दिन ही खाने के लिए क्यों मना करते हैं, अगर खाएं तो जिंदगी भर खाएं, नहीं खाएं तो नहीं खाएं, हम 10 दिन नहीं खाएंगे बाकी दिन खाएंगे, 11वें दिन से खाना शुरू कर देंगे तो फिर मतलब क्या है। मैंने उसे समझाया और वो बात उसे बैठ गई। हम बोले भाई 10 दिन तो केवल 10 दिन करेगा ना, और मन बनाकर करेगा और 10 दिन की समीक्षा करेगा तो तुझे लगेगा कि वाकई में 10 दिन हम ज़्यादा अच्छे रहें तो हो सकता है 11वें दिन से तेरा भाव ही खत्म हो जाए। और ये बात उसके साथ हुआ, वो 10 दिन बाजार में नहीं खाया और नियम संयम से रहा। उसका असर ये पड़ा कि महाराज अब बाजार में खाने की इच्छा नहीं होती, घर का खाना ही शरीर को लगता। तो हम थोड़े दिन करें, उनको बोलो कि कम से कम पर्व त्योहारों में भी हम करते हैं तो उससे हमारे संस्कार प्रबल होते हैं, और संस्कार प्रबल होते हैं तो हम अपने जीवन को और आगे बढ़ा सकते हैं, और त्याग के प्रति उत्साह जगता है, अपनी संस्कृति के प्रति लगाव होता है, अपना जो एक धर्म का गौरव बढ़ता है। सरनेम पूछने का जो सवाल है, वहाँ सरनेम से तात्पर्य ये नहीं है कि हम कोई जातिवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन सामने वाले का आचार विचार व्यवहार कैसा है, उसका खान पान कैसा है, इसका हमें ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि हम जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं हमारा जीवन वैसा बन जाता है, इसलिए उस पर ध्यान रखें। नमोस्तु महाराज जी, मुझे उनको ऐसे क्या संस्कार देना चाहिए ताकि वो भी आगे जी। बस ऐसे ही संस्कार देते रहो, आगे बढ़ेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी श्रीमती रेखा जी सुनील जी जैन गुणायतन CFO, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती अमिता जी जैन दुर्गापुर से। गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे आचार्य उपाध्याय और सर साधु तीनों परमेष्टी अपनी साधना और तप के द्वारा मोक्ष का पथ प्रकर्षित होते हैं और हमारे पूरे समाज को अपने ज्ञान की ज्योति से ज्ञानमय करते हैं। लेकिन साधना तो मनुष्य शरीर के द्वारा ही की जा सकती है और शरीर की रक्षा करना उनका परम धर्म भी है। महाराज श्री, हमारे परमेष्टी आहार करते हुए भी अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं, लेकिन महाराज श्री हम तो साधारण लोग हैं और दिन रात भोजन की खोज में लगे रहते हैं। महाराज श्री, भोजन के लिए हम अपनी क्षुधा रोग को शांत करने के लिए किसकी शरण में जाएं? क्षुधा रोग का शमन करने के लिए किसकी शरण में जाएं? बिल्कुल, जो इंद्री जय के मार्ग पे लगे हैं, जो भूख प्यास को जीत करके आगे बढ़ रहे हैं, उनके संसर्ग में रहोगे तो धीरे 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 खुद के अंदर भी उत्साह जगने लगता है और आगे बढ़ने का भाव बन जाता है। उपस्थित होंगे श्रीमती श्रीमान अनिल जी अमिता जी जैन दुर्गापुर से, और आपकी बात तैयार रहेंगे भानु कुमार जी जैन कोटा से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, निसंदेह दूसरों को समझना हमारी बुद्धि का परिचायक होता है कि हम दूसरों को समझते हैं, किंतु हमें खुद को समझना सच्चा ज्ञान होता है। पर मैं आपसे ये शंका समाधान करना चाहती हूँ कि हम अपने को कैसे समझें? गुरुदेव, निसंदेह दूसरों को समझना हमारी बुद्धिमत्ता का परिचायक होता है, पर खुद को समझना सच्चा ज्ञान होता है। खुद को समझना
और जब भी हम कोशिश करते हैं खुद को समझने की तो बहुत सारी बातें इधर उधर होकर हमारा ध्यान भटका देती हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम खुद को समझ पाएं उसके लिए हम क्या प्रयास करें, कौन से बिंदु अपनाएं? बहुत अच्छा सवाल किया, खुद को समझने के लिए हम क्या करें। जब खुद को समझना चाहते हैं तो कुछ ना करें, आंखें बंद करें, दोनों कान में अपनी उंगली डालें और कुछ देर तक कान में उत्पन्न होने वाली आवाज को सुनना शुरू करें। थोड़ी देर के लिए अभी प्रैक्टिकल कीजिए, सब लोग कीजिए, एकदम आंखें बंद कीजिए, कान में उंगली डालिए, बाहर की सारी आवाजें बंद और सुनिए। ओ, क्या एहसास हुआ? एकदम शांत। कुछ सुनाई पड़ा ना? हल्का हल्का कुछ। तो मैं आपको सूत्र दे रहा हूं, खुद को समझने के लिए खुद को सुनने का अभ्यास कीजिए। क्या बोला? खुद को समझने के लिए खुद को सुनने का अभ्यास कीजिए और स्वयं से संबंध बनाने के लिए स्वयं से संवाद कीजिए। हम लोग दूसरों को सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हाल है। दूसरों से सुनना, दूसरों को सुनाना, सुनने और सुनाने में ही हम लगे रहते हैं। तो जब दूसरों को ही सुनेंगे, दूसरों को ही सुनाएंगे, तो फिर खुद को कब सुनेंगे? और खुद से संवाद ही नहीं होगा तो खुद से हम कुछ समझ कैसे पाएंगे? तो कुछ पल अपनी प्रवृत्तियों को रोककर मैं कौन हूं, मेरा क्या है, इसका स्मरण चिंतन हम सबको करना चाहिए। और वो जीवन में घट गया तो जीवन का रस ही अलग। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे श्रीमान भानु कुमार जी जैन कोटा से, और आपके बाद तैयार रहेंगी आकांक्षा जी जैन नोएडा से। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, भक्त और शिष्य में क्या अंतर है? हाँ, भक्त और शिष्य में क्या अंतर है? हम आपके भक्त हैं या शिष्य हैं? देखो, मुझे नहीं मालूम आप क्या हो, पर भक्त और शिष्य का लक्षण बता देता हूं, हिसाब लगा लेना। जो चरण पूजे जयकार करे वो भक्त। मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना जी। जो चरण पूजे जयकार करे वो भक्त, और जो शरण गहे स्वीकार करे वो शिष्य। फिर से दोहराऊं, जो चरण पूजे जयकार करे वो भक्त, जो शरण गहे स्वीकार करे वो शिष्य। अब आप देख लो, क्या मालूम है? भक्ति है साहब। ये बहुत होशियार है, लक्षण प्रकट कर दिए, समझिए। शिष्य वो होता है जो अपना सब कुछ अर्पित कर देता है। भक्त बनना बड़ा सरल है, शिष्य बनना बहुत कठिन है। और पहले भक्त बने हो कोई बात नहीं, यही मत अटको, आगे बढ़ने की कोशिश कर। शिष्य बनने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत उपस्थित होंगी आकांक्षा जी जैन नोएडा से, और आपकी बात तैयार रहेंगी शकुन दीदी सागर से। नमस्ते महाराज जी। मेरा सवाल है, मुझे गुस्सा क्यों आता है? मम्मी नहीं सुनती होगी तो आता होगा, है ना? क्यों आता आप ही बताओ तो। कब आता आपको गुस्सा? भैया मारता है। तो भैया से प्यार करना शुरू कर दो, गुस्सा नहीं आएगा। चलो। नमस्ते महाराज जी। मेरा नाम आकांक्षा जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि जब भी हम अपने आसपास कोई भी नेगेटिव चीज को देखते हैं तो उसको पॉजिटिव में कैसे चेंज करें? नेगेटिव चीज को देखते हैं तो उसे पॉजिटिव, नेगेटिव चीज को देखते हैं, सुनते हैं, तो उसको पॉजिटिव में कैसे चेंज करें? उस समय एक बात अपने मानस में लाओ कि मुझे पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। स्वस्थ दशा में जब ये विचार बार बार आएंगे तो हम नेगेटिव में भी पॉजिटिव सोच सकते हैं।
कोई भी घटनाएं घटती है, जैसे मान लीजिए आप आए, शिखर जी आ रही थी और गाड़ी में हल्का सा धक्का लग गया, अरे शिखर जी आ रहे थे, धक्का लग, एक्सीडेंट हो गया, ये एक सोच है। उस घड़ी ये भी तो सोचा जा सकता, गनीमत है शिखर जी आ रहे थे तो हल्के से धक्के से रह गए, बाकी तो हमको स्वस्थ दशा में ये अभ्यास बनाने की आवश्यकता है, तभी हम बाकी समय में ऐसा कर सकें। नमोस्तु गुरुदेव। शकुन दीदी सागर से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगी और आपके बाद तैयार रहेंगी अक्षय जी जैन जयसिंहपुर से। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मनुष्य को उसका आलस्य काम के लिए रोकता है, काम के काम में आलस्य रोकता है और पैसों की लालच में अपनी तरक्की को बाधक होता है, तो वो इस कैसे बचे कि काम आलस्य भी ना करे। और पहली लाइन और दूसरी लाइन का कोई तालमेल नहीं समझ में आया। मनुष्य का आलस्य उसे काम से रोकता है और पैसे की लालच में वह काम में अवरोध होता है उसका, लालच के कारण काम में अवरोध होता है, तरक्की नहीं कर पाता ना। आप पूछना क्या चाह रही? उसका आलस और पैसों का लालच कैसे दूर करे वो? देखो, आप सीधे सीधे पूछ लेती तो ज्यादा अच्छा था कि आलस्य हमें रोकता है और लालच हमें दौड़ाता है। लालच रोकता कहाँ है? लालच में दौड़ता है, आलस में रोकता है। आप ये पूछ सकती थी कि हम अपने आलस और लालच को कैसे बचाए। तो आलस्य को कम करने के चार उपाय संक्षेप में बताता हूँ। आलस के शिकार हर कोई है ना? कई हैं, सुबह देर से उठना, पढ़ाई में मन नहीं लगना तो आलस करना, अच्छे काम के लिए आलस करना। चार उपाय छोटे छोटे बता रहा हूँ, अनुभूत उपाय। सबसे पहला है, अगर व्यक्ति आलस्य से बचना चाहते हैं तो संकल्प जगाए कि ये कार्य मुझे इस समय में करना ही है। दूसरी बात, अपने समय का प्रबंधन करना सीखे। मैं कौन सा काम कौन से समय में करूँगा इसे सुनिश्चित करें। तो समय का प्रबंधन, संकल्प, समय का प्रबंधन और अपने आप को एक आत्म सुझाव निरंतर दें, मुझे अपना काम समय पर करना है, समय पर करना है, और थोड़ा समय से प्रतिबद्ध लोगों के संपर्क में रहना शुरू कर दें तो अपने आप आलस दूर हो सकता है। और लालच को जीतने के लिए लालच के परिणामों पर विचार करो तो लालच से जीत सकते हैं। नमस्ते। उपस्थित होंगे अक्षय जी जैन जयसिंहपुर से और आपके बाद तैयार रहेंगे संतोष कुमार जी जैन कोटा से। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी, हम विभिन्न परिस्थितियों में अपने भावों को कैसे संभालें? विभिन्न परिस्थितियों में अपने भावों को कैसे संभालें? देखो, भावों को संभालते समय देखो कि भाव गिर क्यों रहे। उस समय कुछ अच्छे सुझाव, कुछ अच्छे परामर्श, कुछ अच्छे उपदेश, कुछ अच्छी बातें करें तो अपने भावों को हम बहुत आसानी से संभाल सकते। नमस्ते महाराज जी। संतोष कुमार जी जैन कोटा से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि अत्यंत धार्मिक विद्वान और संपन्न व्यक्ति, उसके परिवार का इकलौता पुत्र जो उसी का उत्तराधिकारी है, अपने संपत्ति के लालच में माँ और बाप का मर्डर कर देता है। ऐसा क्यों होता है? मन की किस परिस्थिति कर्मों के कारण होता है? आज से 3-4 वर्ष पूर्व उज्जैन में भी, मध्य प्रदेश में भी, एक पंडित जी का मर्डर उनके इकलौते पुत्र ने किया था, उत्तराधिकारी वही था। ऐसा क्यों होता है? जब व्यक्ति के सिर पर धन का भूत सवार हो जाता है तो वह उसकी विवेक बुद्धि को छिन्न भिन्न कर देता है, व्यक्ति व्यक्ति न रह करके अंधा हो जाता। तो कहते उसको कुछ दिखता नहीं, कुछ सूझता नहीं, जीवन पर्यंत वह उसके परिणामों को लेकर के
रोता रहता है, भोगना तो उसको पड़ेगा, लेकिन जब सिर पर भूत हावी हो जाता है तो यही स्थिति बनती है। धिक्कार है ऐसे पुत्रों को, हमें इनसे सीख लेनी चाहिए। ओम। बंधुओं, आज यहाँ श्रीमान अनुराग जी सोधिया, जो गुणायतन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उनके साथ एक टीम, विशेष टीम यहाँ पर आई है। मैं श्रीमान अनुराग जी सोधिया के साथ उस पूरी टीम को यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा। श्री जय मथुरिया, डायरेक्टर स्टार डायमेंशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। श्री पवन विश्वकर्मा, टेक्निकल डायरेक्टर। श्री दिवाकर गौर, प्रिसेल्य इंडिया बाटको। और इनका परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमान अनुराग जी सोधिया। इस विशेष समूह का सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान अनिल जी जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, श्री शैलेंद्र जी जैन, CEO गुणायतन, एवं श्री चंद्रशेखर जी जैन, सुनील जी जैन, CFO गुणायतन। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोग जो सामने अपना थीम पार्क बना रहे हैं, अनुभव केंद्र बना रहे हैं, उसकी कड़ी में ये तीन जो भाई हमारे साथ में हैं, ये इनमें सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, श्री जय जी, आप जय जी हैं और आप डायरेक्टर हैं मुंबई में। आप नीचे जो हमारा एक्सपीरियंस जोन बन रहा है, जो जिसमें हम टनल पहले बना रहे थे, अब हमने उसको चेंज कर लिया है, तो वो बना रहे हैं जय जी, उसके डायरेक्टर हैं, और साथ में पवन जी हैं, तो वो उनके साथ में वो काम कर रहे हैं। और आप बारको के आप इमर्सल एक्सपीरियंस के सेल्स डिपार्टमेंट से हैं। तो ये तीनों अब हमारा नीचे का मीडिया पूरा संभालेंगे, हार्डवेयर का काम पूरा संभालेंगे। मैं बोलना चाहूँगा बीच में, आप लोग सम्मान कर दीजिए जब तक। देखिए, गुणायतन में जो संरचना होने जा रही है, खड़े रहो, गुणायतन में जो संरचना होने जा रही है वो अपने आप में अद्भुत होने जा रही है। और आज ये जो टीम आई है ना, इस टीम ने एक विशेष जिम्मा लिया है, आप सबको भाव सागर से पार उतारने का। समझ गया क्यों? भाव सागर से पार उतरने का। और ये जो टीम है, ये टीम यहाँ ले आओ, एक एक करके आ जाओ। ये भाव सागर से पार उतरने का टीम है। ये टीम बॉम्बे से आई है, लेकिन जर्मनी तक फैली है, इनका हेडक्वार्टर जर्मनी में है, है ना? ओवरऑल दी वर्ल्ड में काम करते हैं महाराज जी, US, UK सब जगह इनका काम चलता है, और बहुत बड़ा काम इनके माध्यम से हो रहा है। जब गुणायतन के एक्सपीरियंस जोन में आप जाओगे, तो सबसे पहले आपको वहाँ एक समुद्र के बीच से गुजरना होगा, एक ऐसा समुद्र जिसमें उत्ताल तरंगे उत्पन्न हो रही हो, सुनामी उठ रही हो, व्हेल, शार्क आदि सारी मछलियाँ हों, जिसे देखकर आप घबरा जाएंगे, ऐसा समुद्र लहराता दिखेगा, जो भाव सागर का द्योतक है। और उस भाव सागर से पार उतरने के लिए वहाँ एक जहाज उभरेगा, और उस जहाज पर आप सवार होंगे, और जैसे ही उस जहाज पर सवार होंगे, वो जहाज आपको मुक्तिपुरी की ओर ले जाएगी। और जब आप मुक्तिपुरी की ओर जाएंगे, तो मुक्तिपुरी में सदगुरु का आशीर्वाद पाकर आप मोक्ष मार्ग महल में और बढ़ जाएंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे। ये कंसेप्ट गुणायतन का अभी ताजा कंसेप्ट है, जिसे ये विशेषज्ञों की टीम आज विशेष रूप से यहाँ आई है। उसके लिए आप सबका सौभाग्य है कि ऐसे अच्छे कार्य को आप लोग कर रहे हैं। और मैं इस टीम को कह रहा हूँ, मैं तो सोच रहा था कि आएंगे जर्मनी वाले, अच्छा है तुम ही लोग आए, वो लोग नहीं आ पाए क्योंकि वो हमारी हिंदी समझ पाते नहीं, समझ पाते। स्टार डायमेंशन वाले वहीं का काम करते हैं, मैं बता रहा हूँ, वो मेरी हिंदी समझ पाते या नहीं पाते। पर मैं तुम लोगों से कहना चाहता, पवन जय, दोनों से जय नाम बताया ना, हाँ, तो आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इधर इधर अनुराग आओ, तू पीछे कैसे रहेगा? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा है ये लोग आए हैं, और ये बहुत अच्छा उपक्रम आप लोगों के निमित्त से हो रहा है। ये भाव सागर से पार उतारने का उपक्रम है। अभी तक आप लोगों ने जितने भी प्रोजेक्ट किए, वे सब के सब मनोरंजन के प्रोजेक्ट थे,
ये मनोरंजन का प्रोजेक्ट नहीं, मनोमंथन का प्रोजेक्ट है। मैं चाहूँगा इस कार्य को एक प्रोफेशनल अंदाज में तो करें, पर प्रोफेशनल दृष्टि से ना करें। इसे अपने आप को इस संसार से पार उतरने का हेतु बना करके करें। जो अर्जित होगा वो कई जन्मों तक काम में आएगा, इसमें संशय नहीं रखना। समझ गए? खुद का जीवन बदले, आने वाली पीढ़ियों का जीवन बदले, यही हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। सारी टीम को बहुत बहुत आशीर्वाद। अनुराग ने काफ़ी श्रम करके इस टीम को यहाँ तक पहुँचाया है। ये लोग बहुत व्यस्त लोग हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है तय समय में सारा कार्य संपन्न हो जाएगा। ये लोग कुछ बोलना चाहे या पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। हाँ, कोई सवाल करना, कुछ करना, अनुराग पूछ सकते हैं। महाराज श्री वो बार बता देंगे वो ये लोग जो स्टार डायमेंशंस वाले हैं महाराज श्री, इनके बारे में ये बता देंगे। जितने भी अभी पीएम का जो शो हुआ था चेन्नई में, या जितने भी हमारे फेमस शो होते हैं या चल रहे हैं, वो स्टार डायमेंशन वालों ने ही किए हैं। बहुत सुंदर। और अब गुणायतन को भी ये सबसे पहले तो हमारा जो बाहर का लेजर लाइट शो का अभी छुपा के रख, सब बोल नहीं रख, अभी जितना होता ही बोल, सब बता देगा तो बाद में क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी एजेंसी है, बहुत अच्छा काम इन सब के माध्यम से होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और ये पूरी एक अनूठी कृति पूरे विश्व के लिए मिलने जा रही है, और इसका गौरव आप सबको होगा कि संवेद शिखर जी में हो रहा है। जो दुनिया में कहीं नहीं है वो चीज़ें यहाँ है। अभी जब मैंने चर्चा की, बोले ये कंसेप्ट कहीं देखा, बोला महाराज पहला कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट है तो उस कंसेप्ट को जब आप साकार होते देखेंगे, सुनिश्चित तौर पर वो एक अच्छी मिसाल बनेगी और लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव घटित होगा। नाम बोल दो अपना। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु आशीष जैन, साहिबाद गाजियाबाद। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम किस तरह गुरुदेव को नमस्ते नमोस्तु करें कि गुरुदेव हमें हमेशा पहचान के रखें, क्योंकि हमें पहचान सकें, हमें पहचान सकें, मतलब हमें याद रख सकें। जैसे हम तो गुरुदेव को याद रखते ही हैं नमोस्तु करके। हम ऐसा कैसे नमोस्तु करें गुरुदेव हमें याद करें? ऐसा कभी मत करो कि गुरुदेव तुम्हें याद करें। तुम हमेशा ऐसा आशीर्वाद लो कि गुरुदेव हमेशा याद रहे। नमस्तु गुरुदेव। ध्यान रखना, भक्त गुरु को याद करते हैं तो भक्ति है, और गुरु अगर भक्तों को याद करे तो मोह है। नमस्तु गुरुदेव। हम तो सबसे मुक्त हैं। हम अगर तुम्ही को चिपका ले तो एक को छोड़कर हजारों से नाता जुड़ेगा। इसलिए गुरु मुझे याद रखे ऐसा आशीर्वाद मुझे नहीं चाहिए, मुझे गुरु हर पल याद रहे ये आशीर्वाद रहना चाहिए। और तुम हृदय से याद रखोगे तो बाकी बातें तो अपने आप जीवन में घटित हो जाएगी। इस प्रकार और कोई है? हाँ बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव। कौन है? एक हाँ, हाँ बोलिए। इधर से जालना की सभी महिला मंडल की ओर से, और सुभाष गोधा, मैं मालती गोधा। एक मिनट, नहीं इधर से सवाल बोलिए। श्री मनोज जी गरीबी अमरावती महाराष्ट्र से अपना प्रश्न रखेंगे। मुनिराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज हम अमरावती से है, महाराष्ट्र से। महाराज जी सवाल ये है कि सफल जीवन की परिभाषा आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। सफल जीवन की परिभाषा कल परसों दो दिन पहले ही मैंने सफल जीवन की परिभाषा बताई है। सुना नहीं महाराज, आप सुन लेना। बहुत सारे सफल जीवन की परिभाषा बताते हुए कई एक लाइन में बताता हूँ। सफलता का अर्थ किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना मात्र नहीं है। सफलता का अर्थ हर स्थिति में संतुष्ट और प्रसन्न होकर के जीने का आदि और अभ्यासी बनना। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवत्स विद्यासागर जी महाराज। हेलो।